नाम क्या है? रेहान खान। रेहान खान। अच्छा रेहान, आप आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18/2/2008। अच्छा आप आपके पापा का नाम क्या है? महबूब खान। क्या करते हैं पापा? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, और आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? फिरदोस नगर। फिरदोस नगर में। आप क्रिकेट खेलते हैं? यस। कौन से क्लब से? CCI। कब भर्ती हुए आप? 2 साल। 2 साल हो गए। क्या करते हैं आप क्रिकेट में? लेफ्ट आर्म मीडियम पेस। मीडियम पेस करते हैं। और किस लेवल पर खेलते हो? अंडर 12। इस साल खेले आप जो अभी? हाँ। नमन कोठारी की याद में टूर्नामेंट हुआ। हाँ। पिछले साल खेले थे? हाँ। पिछले साल कितने विकेट लिए थे? 2 विकेट। कितने मैच में? 2 मैच में। अच्छा, इस बार कितने मैच खेले? 5 मैच। 5 मैच में कितने विकेट लिए? 7 विकेट। 7 विकेट। एक मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्या आपका? किसी एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन से मिली आपने? सेमीफाइनल में। किसके खिलाफ? MYCC। कितने? 2 विकेट। 2 विकेट लिए। अच्छा, नई गेंद डालते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये सेमीफाइनल तक कितने मैच खेल लिए थे आप लोग? पांचवा मैच था। तो जो पहले 4 मैच खेले आपने, उसमें से कोई मैच जो सुपर लीग का था वो MYCC के खिलाफ था? वो नहीं था। तो जो 4 मैच आपने जिन टीमों के खिलाफ खेले वो कौन कौन से थे? किन टीमों के खिलाफ थे वो? क्रिश्चियन एमिनेंट। हाँ। इंदौर कोल्ट्स। हाँ। लाहौर एकेडमी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये MYCC ने तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट लिया, तो उसके पहले बाकी टीमों ने नहीं लिया? नहीं। क्या मामला था वो? डरो मत, बोलो क्या मामला था? समग्र आईडी। तो वो तुम्हारे पास नहीं थी? थी। फिर क्या हुआ उसमें, क्या गड़बड़ थी? उसमें डेट ज्यादा लिखा गई थी। क्या लिखी थी? 13 ईयर। 13 साल लिखी थी। तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट लिया, तो आप लोगों ने बोला नहीं कि ये गलत है तो हम सही करवा के दे देंगे? हमने बोला था पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर अब क्या हुआ? आप नगर निगम में आपने एप्लीकेशन लगाई होगी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो सही हो गई, निकल के आ गई थी। वो क्लीन चिट हो गई अब? हाँ। वो कागज है आपके पास? आएगा। अच्छा, क्या आप 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ। और यहाँ से कैसे जाते हैं वहाँ तक क्लब तक? साइकिल से। खुद की साइकिल से? अच्छा, और बायत के सीमर के अलावा बैटिंग वगैरह करते हो? कम करता हूँ। तो CCI की फीस कितनी है? फीस ही नहीं लेते। नहीं लेते वो? अच्छा, आपकी और कौन मदद करता है? सर करते हैं। मुकेश सानी। और नवीन परसवानी? वो भी करते हैं। तो अच्छा, सेमीफाइनल में आपकी टीम को बाहर कर दिया है ना, जीतने के बाद भी? हाँ। अच्छा, और आप क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। किसके लिए खेलना चाहते हो? इंडिया के लिए। पहले MP के लिए नहीं खेलोगे? MP के लिए, फिर इंडिया के लिए। अच्छा, और कभी आप अंडर 14 खेले? नहीं। गेंद कैसी करते हो आप? स्विंग कराते हो दोनों तरफ? हाँ। अच्छा, आपको पसंदीदा बॉलर कौन है? बेल स्टेन। तू तो दाहिने हाथ से करता? मोहम्मद आमिर। अच्छा, आमिर उसको जानते हो? वसीम अकरम को। हाँ। और इंडिया के लेफ्ट आर्म सीमर किसको जानते हो? जहीर खान। अच्छा, और जयदेव नाटकट। अच्छा, खलील अहमद। किसी का मैच देखा इंडिया में आपने? हाँ। इंदौर में जो मैच रहते देखा आपने? हाँ। किसका? पंजाब RCB। स्टेडियम में जाकर? नहीं, स्टेडियम में नहीं देखा। अच्छा, आपको चूंकि आपके पापा जो है ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो कोई कमी है आपको इसके बाद भी खेल में? स्पाइक्स नहीं हो आपके पास? नहीं है स्पाइक्स। नहीं है? अच्छा, कितने में आते हैं स्पाइक्स? हाँ, 4000 में। अच्छा, और क्या कमी आपको पैसों से संबंधित? नहीं है। अच्छा, अभी रोजे रख रहा हो? नहीं, एक भी नहीं रखा। नहीं। क्यों? मैच चल रहे थे। एक आधी रखोगे? हाँ।
हाँ रख, इसके पहले रखा? नहीं। अच्छा, आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। कौन सा स्कूल है? जेके मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल। अच्छा, यदि मैं आपको एनडीपीएस स्कूल में भर्ती करा दूँ, फ्री में पढ़ने को मिले वहाँ, और सब आपको स्पाइक्स, आपको किट सब मिलेगा, तो जाओगे? हाँ चले जाऊंगा। चलो, थैंक यू है ना।